मैंने कोई बकवास वकवास करी नहीं इस वीडियो में, मैंने सीधा सीधा तुम्हें बताया हाउ यू कैन क्विट फैपिंग एंड हाउ आई डिड बीइंग एन एडिक्ट जो कि तीन तीन चार चार बार करता था दिन में तीन तीन चार चार बार, मैं छोड़ता भी नहीं था दिन। मैं चाहे पढ़ाई करना छोड़ दूंगा, मैं चाहे खाना भूल जाऊंगा, पर मैस्टरबेशन वॉज वन थिंग जो कि मैं कभी नहीं भूलता था। सारा दिन मुट्ठी यही मेरे दिमाग में था। तुम भी वही व्यक्ति बन चुके हो जो कि तुमने अपनी लाइफ में डिसाइड करा था कि तुम कभी नहीं बनोगे। तुम्हारा हाल इतना बुरा हो चुका है, तुमने अपने शेरू को पकड़ इतना निचोड़ दिया है कि अब उसमें से जूस भी बाहर नहीं निकल रहा है। यू आर फेसिंग ट्रबल्स दैट यू एक्सपेक्टेड योर सेल्फ नॉट टू फेस। तुम्हारी लाइफ एकदम वियर्ड बन चुकी है, बकवास बन चुकी है। तुम सारा दिन बस हिलाते रहते हो, मैस्टरबेट करते रहते हो अपने बच्चों को, जो फ्यूचर पोटेंशियल बच्चे होते हैं लाखों की लाखों, जो तुम आर्मी खड़ी कर सकते थे, सब तुमने टॉयलेट में भगा दिए, सब तुमने अपने कच्छों में भगा दिए। यू आर एडिक्टेड टू मैस्टरबेशन, यू नो दिस। तुम बहुत ही समझदार हो, तुम ये चीजें जानते हो, पर तुम बार बार उन चीजों में फंस जाते हो, बार बार अपने आप को पाते हो उसी पॉर्न स्क्रीन के सामने, उसी हाथ के साथ अपनी लकीरें मिटाते हुए। कर क्या रहे हो अपनी लाइफ के साथ? अगर तुम बार बार उसी लूप में फंस रहे हो ना, ये जो तुम्हारा सर्कल सा बना हुआ है इस एडिक्शन का, कि तुम पहले सबसे पहले पॉर्न देखोगे, उसके बाद मैस्टरबेट करोगे, फिर पॉर्न देखोगे, फिर मैस्टरबेट करोगे, और तुम अपने आप से फिर बोलते हो यार अब से नहीं करूंगा मैं, और फिर तुम फिर वही चीज़ करते हो। रात में अपने आप को पाते हो, फिर वही तुमने टैब खोला होता है, वही कर रहे होते हो, भड़बड़। कैसे बचाओ उस चीज़ से? आई सेव्ड माई सेल्फ फ्रॉम दिस थिंग। तीन साल मैं भाई बर्बाद करे हैं। हर दिन का लगा के चलो कम से कम दो तो होते ही थे मेरे सेशन जहाँ पर मैं अपनी मुट्ठी झाड़ता था। कोई लड़की दिख जाए, कोई कुछ दिख जाए, मेरे को थॉट भी आ जाए ना एक, मैं झाड़ देता था वहीं पे। आई वॉज दैट एडिक्टेड। लुक एट दिस गाय इन द वीडियो, बंदा मेट्रो में ही चालू हो गया। दिस इज द एडिक्शन। ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम एडिक्शन है, बट इफ यू आर डूइंग इवन अलोन, दैट इज एडिक्शन ब्रो। यू कैन नॉट लिव विदाउट दिस थिंग। एक छोटा सा स्टिमुलस, एक छोटी सी चिंगारी चाहिए बस तुम्हें उस चीज की, एंड बूम, मुठ बाहर तुम्हारी, देखते ही बाहर। यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल दिस, यू आर नॉट एबल टू होल्ड दिस लाइफ फोर्स, दिस लाइफ एनर्जी। बच्चा बनता है भाई इससे। एंड व्हाट यू आर डूइंग, तुम बहा रहे हो इसे नालियों में। तुम्हारे मन में जो थॉट्स आ रहे हैं ना, तुम उन्हें एंटरटेन कर रहे हो। द एंटरटेनमेंट ऑफ थॉट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। तुम्हारे मन में कोई भी आती है, लड़की आती है, लटीना फटीना जो भी है, ठीक है, तुम्हारे मन में वो थॉट आता है, ये तुम्हारा पहला थॉट होता है, इसे कहते हैं फर्स्ट थॉट। जो तुम्हारा सेकंड थॉट होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि वो फर्स्ट थॉट को दबा दे, फर्स्ट थॉट के बारे में फिर तुम सोचो ना, पर ये नहीं होता है। तुम्हारा सेकंड थॉट तुम्हारे फर्स्ट थॉट को सपोर्ट करता है, और फिर चेन रिएक्शन चालू हो जाता है। तीसरा थॉट आता है कि चल एक बार पीक मार लेते हैं, क्रोम पे जाकर देख लेते हैं, फिर तुम देखते हो, फिर कहते हो नहीं मैं नहीं देख रहा। फिर चौथा थॉट आता है, नहीं देख लेते हैं, तुम उसे देख लग जाते हो, अगली वीडियो दिखाते हो, अगली वीडियो लगाते हो, फिर तुम अपनी पैड में हाथ डालते हो, भर करते हो, 5 सेकंड के अंदर तुम खत्म। वन थॉट सपोर्ट्स अनदर थॉट, ये हो रहा है तुम्हारे साथ, और यही चीज तुम कर रहे हो। तुम्हें समझाने वाला कोई है नहीं, पर तुम इतने समझदार हो कि तुम ये चीज समझ सकते हो, ठीक है, जो कि अभी मैंने तुम्हें बताई है। योर सेकेंड थॉट शुड बी सप्रेसिंग योर फर्स्ट थॉट। तुम्हारा जो दूसरा जो ख्याल आया है ना, ख्यालात आते हैं, वही होना चाहिए भाई नहीं बकवास चीज है, मैं नहीं करूंगा। अपने आप को ना मुंह से बोल दो नहीं भाई, नहीं करनी है चीज, गलत चीज है। होगा क्या उससे? तुम्हारे सेंसेस काम करेंगे, ठीक है, तुम मुंह से बोलोगे, वर्बल सेंस काम करेगा, ठीक है, तुम कानों से सुनोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हें कोई आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। इवन दो यू आर गिविंग योर सेल्फ ऑर्डर, ठीक है, तुम ब्रेन को ट्रिक कर रहे हो उसमें, और जब तुम्हारा ब्रेन ट्रिक हो जाएगा ना, आसान है, इट्स नॉट हार्ड, ठीक है। सबसे पहली चीज तुम्हें ये रियलाइज करनी है कि इट्स वेरी इजी टू गेट आउट ऑफ दिस शिट, यू जस्ट नीड टू फिगर आउट द एल्गोरिथम, चुटकियों में बाहर आ जाओगे। मेरे साथ हुआ था भाई, बहुत टाइम लग गया, बिकॉज मैं ट्रायल एंड एरर कर रहा था, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करा, इवन दो मैं थोड़ा बेवकूफ उस मामले में, मैंने दूसरों के एक्सपीरियंस से नहीं सीखा, बट आई केम टू अ रियलाइजेशन, आई केम टू अनदर वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दिस शिट, ऑफ ऑन गेटिंग नो फैप, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, थॉट्स एंटरटेन नहीं करने हैं, ठीक है। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ बातें करते हो ना इन बारे में कि भाई उस बंदी की फोटो देखी, उस बंदी की बूटी इतनी अच्छी, उस बंदी की ये अच्छी, कुछ नहीं होगा, उसी लूप में वापस फंस जाओगे, उसी गड्ढे में वापस गिर जाओगे, उसी बाल्टी में तुम अटके रहोगे।
कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। सबसे पहली चीज, थॉट्स एंटरटेन नहीं करने। कैसे नहीं करने? अपने दोस्तों से बात नहीं करनी उस बारे में, इंस्टाग्राम वगैरह पे उन चीजों को नहीं देखना। इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम सबसे पहले तो उड़ा दो उस प्लेटफॉर्म को। स्नैपचैट पे तो भाई यू आर आउट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, ठीक है, बाद में मत करो। इंस्टाग्राम अगर यू आर देयर टू जस्ट टू हैव कॉन्टैक्ट विद पीपल, देन आई विल सजेस्ट यू टू डाउनलोड इट, बिकॉज बहुत सारे बंदों को डेटिंग लाइफ में एक चीजें एक्सपीरियंस करनी है ऑब्वियसली। एंड इफ यू डोंट हैव इंस्टाग्राम, प्रॉबेबली यू आर नॉट गोना डेट अ गर्ल। दैट्स सिंपल, लाइक इट वर्क, सोसाइटी वर्क दैट वे। मैं उसे कुछ चेंज नहीं कर सकता। बट इफ यू हैव अ गर्ल हु डज नॉट यूज इंस्टाग्राम, तुम्हारे भाई छप्पर फाड़ भगवान ने दिया तुम्हें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है, ये सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो, ठीक है। सोशल मीडिया तुम्हें स्टिम्युलेट करता है। सोशल मीडिया ना, जो तुम टाइम स्पेंड करते हो ना, उसके पैसे कमाता है। तो वो चाहता है कि तुम्हें ऐसी ऐसी चीजों से लुभाना चाहता है कि तुम उसके पास जाओ। एंड जब तुम उसके पास जाते हो, वो तुम्हें दबोच लेता है। एंड दैट इज वॉट हैपन्स, दैट इज वॉट बिन हैपनिंग। इसे ही तो हम कहते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी। इन सबसे बकवास से दूर आते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा कौन सा तरीका है। तुमने देख लिया थॉट्स, तुमने देख लिया ट्रिगर्स। ट्रिगर्स से दूर रहना है, ठीक है। तुम्हारे जब भी ट्रिगर आते हैं ना, तुम्हारे थॉट्स को इनिशिएट करते हैं, एंड थॉट्स फिर चेन रिएक्शन बनाते हैं और तुम वापस इंडल्ज हो जाते हो, वापस उन्हीं चीजों में लग जाते हो। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम दोज ट्रिगर्स। तुम ट्रिगर्स में नहीं देख रहे हो, जो भी तुम्हें ट्रिगर करती है ना चीजें, कि हाँ इसे देखकर मेरा खड़ा होता है, हटा दो उसे लाइफ से, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। तुम जो मन में सोचते हो ना, वही चीज फिर बाद में आती है। अगर कोई बातें कर रहे हैं ना उस बारे में, अगर तुम कोई दिखाना चाह रहे हैं ना, भाई मेरे से दूर रहे। अब इसके बाद में तुमने नोफैप का नाम तो सुना ही होगा, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो। नोफैप में एक बेसिक चीज आती है स्ट्रीक की। उसमें होता है कि जिस बंदे ने 500 दिन पूरे कर लिए नोफैप पर, मतलब 500 दिन उसमें मुठ नहीं मारी वो गॉड है। जिस बंदे ने 400 दिन नहीं मारी वो कुछ और है, ये है वो है, टाइटल से दे देते हैं, ठीक है। सबसे घटिया चीज है, सबसे मतलब जिसे कहते हैं ना वाहियात, बेकार, आउट ऑफ द कॉन्वर्जेशन, बकवास चीज, उसे मैं जूतों पे भी ना रखूं। ऐसी चीज है स्ट्रीक्स। स्ट्रीक तुम्हें कभी नहीं बनानी है। मेरे को एक चीज बताओ, जिस चीज में तुम इंप्रूव करना चाहते हो, उस चीज की स्ट्रीक बनाते ना। दिस इज नॉट समथिंग दैट यू वांट टू इंप्रूव। तुम गड्ढे से नीचे गिरे हो, तुम गड्ढे के ऊपर नहीं उठ रहे हो उससे। नो फैप का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में। तुमने अपनी लाइफ ऑलरेडी खराब कर ली है, बस तुम उसे ठीक कर रहे हो। जो तुम्हारी नाव में हिस्सा टूट गया है ना, तुम उसे ठीक कर रहे हो। दैट इज नॉट एन इंप्रूवमेंट, दैट इज रिपेयरमेंट। एंड अगर तुम स्ट्रीक्स रखते हो ना, तुम वापस ही उधर फॉल करने लग जाओगे। नो फैप की कम्युनिटी नहीं चलेगी अगर उन्होंने स्ट्रीक सिस्टम तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने स्ट्रीक सिस्टम तोड़ दिया ना, कोई भी नो फैप पर वापस आएगा ही नहीं। बंदों को पता ही नहीं होगा कि वो नो फैप पर है। The number one thing that I have been telling from the beginning of this video is to forget about fapping. And सबसे बढ़िया तरीका है कि तुम उसे count ना करो। Stop counting days, make the days count. यही तुम्हें चीज करनी है। तुम मुठ मारते हो, तुम देखते हो भाई मैंने दो दिन कर लिया, तीन दिन कर लिया, चार दिन कर लिया। भाई तेरा लाइफ स्टाइल है ये, तूने हमेशा के लिए मुठ छोड़ा है। अपने मन में ही बना लो, I'm not gonna ejaculate until I get a girl. ऐसे कुछ अपने आप को चैलेंजेस दे दो। कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैंने इजैकुलेट कर दिया अगली बार मैं मर जाऊंगा, इसलिए दे डोंट नेवर इजैकुलेट। अपने ब्रेन को ट्रिक करना चालू करो। तुम्हें लगता है भाई मेरा ब्रेन इतना पावरफुल है, ये तो सब अपने आप समझ लेगा। नहीं, तुम्हारा ब्रेन एक नंबर का डफर है, बस तुम्हें यूज करना आना चाहिए उसे। एंड बिलीव मी ब्रदर, तुम पहला मंथ क्रॉस कर लोगे ना नोफैप का, उसके बाद तुम्हें ख्यालात आने बंद हो जाएंगे। इवन तो तुम काउंट नहीं करोगे, तुम्हें टेंटेटिवली पता चल जाएगा एक महीना हो गया तुम्हें, ठीक है। अपने आप आ जाते हैं थॉट्स, ठीक है, उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। पर तुम देखोगे एक चीज कि तुम्हें डिसगस्ट वाली फीलिंग आने लग जाएगी फोन से। तुम्हें ऐसा लगेगा यार ये गंदी चीज है, इससे दूर रहो। ये मेरे साथ हुआ था, ठीक है, मैं ऐसे देखता था, अब तो भाई है ही नहीं। तुम एकदम इम्यून हो जाओगे उससे। एंड फिर ना तुम्हारा ऐसा सीन नहीं बनेगा कि तुम वापस गड्ढे में गिर जाओ। बहुत मुश्किल होगा वो, बहुत मुश्किल होगा कि तुम अपने आप को वापस से गड्ढे में डाल दो। इसलिए मेक श्योर दैट यू आर नॉट काउंटिंग द डेज। तुम अपने आप को एसोसिएट करना बंद कर दो उस चीज से। एक बहुत ही अच्छी बुक है कंस्ट्रक्टिव लिविंग नाम से, उसमें उनके जो ऑथर थे डेविड के रेनोल्ड्स करके कुछ, उन्होंने बताया कि उन्हें एक ट्राई करना था कि जो बंदे साइकाइट्रिस्ट पे जाते हैं वो कैसा फील करते हैं, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है नहीं मिलता, उन्हें ऐसे डॉक्टर्स को देखना था।
तो उन्होंने क्या करा, अपना एक ऐसा बहरूपिया बनाया जिसका नाम उन्होंने डेविड कैनेडी रख दिया, ठीक है। और उस बहरूपिये को, जो उनका ही बहरूपिये था, वही थे, उसे डिप्रेशन में ऐसे मरीज दिखा दिया कि वो डिप्रेस्ड है एकदम। और पता है क्या हुआ, वो खुद डिप्रेशन में चले गए उस चक्कर। द थिंग दैट यू आर एसोसिएटिंग योरसेल्फ विद, ठीक है, जो तुम अपने आप को बताते हो कि मैं ये हूं, तुम वही बन जाते हो। उन्होंने बस ये सिंपल लाइन बताई कि वो बंदा डिप्रेस्ड है जो कि अपनी चेयर पर सारा दिन बैठा रहता है, हंच्ड बैक है और ऐसे बैठा रहता है और अपनी लाइफ में बोलता रहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसा ही होगा, मेरी लाइफ ऐसी बनी है। ही स्टेज दैट वे। अगर तुम अपने आपसे बोलोगे कि मैं रोज दिन में दो बार मुठ मारता हूँ, मेरी लाइफ ऐसी बन चुकी है, मैं इसे पॉन देखता हूँ, ये करता हूँ, करता हूँ, वही बन जाओगे तुम। इसलिए अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दो इस चीज से, अपने आप को बोलो भाई मैं तो पॉन देखता ही नहीं, मैं पॉन करता ही नहीं ये चीज़। लेट्स से मेरे पर राजू और छुटकी है, ठीक है, मैं राजू से पूछता हूँ राजू भाई बीड़ी पियोगे, राजू भाई कहते हैं नहीं यार मैंने बीड़ी पीना छोड़ दिया। भाई मैं छुटकी से बोलता हूँ छुटकी बहन बीड़ी पियोगी, छुटकी बोलती है मैं बीड़ी नहीं पीती। अब मेरे को इन दोनों में से बताओ मैं किसे फोर्स कर सकता हूँ बीड़ी पीने के लिए, राजू को या छुटकी को? ऑब्वियसली राजू को, क्योंकि राजू ने छोड़ दिया, वो वापस आ सकता है एक दिन पहले, फिर क्या जा रहा है, एक दिन पी ले उसके बाद छोड़ दियो वापस। मैं छुटकी को नहीं बोल सकता क्योंकि शी हैव नेवर ट्राइड इट। डिस्कनेक्ट योर सेल्फ, शो दैट यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, यू हैव नेवर बीन अ पार्ट ऑफ इट। मैं तो मुठ मारता ही नहीं, ये क्या होता है, मैं तो जानता ही नहीं आप कौन। ऐसे अगर एक्ट करोगे ना तुम नोफैब गॉड बन जाओगे ब्रदर, बिलीव मी यार। हार्ड लगता है, मेरे को भी लगता था उस पोजीशन में जब था ना मैं, कि यार इसका तो हो गया, ये तो बकवास करेगा ही, हमारे पे जो बीत रही है वो इसके साथ नहीं बीती है, नहीं बीती है मेरे साथ भी। मेरे साथ को भी वही थॉट्स आते थे जो कि तुम्हें अभी आ रहे हैं, पर बिलीव मी ट्रायल एंड एरर वाला प्रोसेस है। एंड कुछ लोग कहते हैं कि धीरे धीरे करके छोड़ो, ठीक है, मैं तुम्हें कहता हूँ सडनली छोड़ दो, क्विट कर दो, बिकॉज एक कॉन्सेप्ट रहता है, मैं बताता हूँ। तुम कभी भी डार्ट फेंकते हो ना, तो तुम डार्ट को थोड़ा ऊपर होके फेंकते हो, तुम्हें जहां पर मारनी होती है ना, जैसे मेरे को एग्जैक्टली यहां पर मारना है, ठीक है, एग्जैक्टली मेरे को अगर यहां पर मारना है तो मैं ये नहीं करूंगा कि मैं एग्जैक्टली इसके ऊपर एम करूंगा, वहां से अगर मैं डार्ट तुम्हारी तरफ से फेंक रहा हूं, तुम जैसे तुम डार्ट फेंक रहे हो उधर, तो मैं इधर एम नहीं करूंगा, मैं इससे थोड़ा ऊपर करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है जब तक ये यहां पर आएगा ये थोड़ा नीचे गिरेगा। दैट्स व्हाट हैपेंड विद योर गोल्स। तुम जो गोल करते हो ना मन में, वो होता नहीं, उसे तुम्हें हमेशा थोड़ा कम मिलता है। तो अगर तुम ये गोल कर रहे हो ना कि मैं पूरी तरह से मैस्टरबेशन छोड़ दूंगा, तुम फिर धीरे धीरे करके मैस्टरबेशन छोड़ोगे। इसलिए मैं तुमसे बोलता हूँ पूरी तरह से छोड़ो, तुम धीरे धीरे करके मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुम धीरे धीरे करके मैस्टरबेशन छोड़ने लग गए ना, तुम बहुत धीरे होकर छोड़ने लग जाओगे। अगर तुम हफ्ते में 6 बार मैस्टरबेट करते थे, तुम हफ्ते में 5.5 बार करोगे, पर करोगे जरूर, और इसमें बहुत टाइम लगेगा, मैं कहता हूँ क्विट कर दो। अगर हफ्ते में 6 बार करते थे तो तुम 3 पे आ जाओगे अपने आप, तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा। That's what worked with me, and believe me, it's a very trial and error वाला process है। पत्थर को काटते जाओ जब तक कटे नहीं, वैसा process है। Trust me भाई, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, तुम्हें उस stage में लगेगा मुश्किल है, हाँ है उस stage के हिसाब से देखने में, पर तुम जब थोड़ा ऊपर उठ के देखोगे ना उसे, आसान है। What संदीप महेश्वरी says, मैं भाई संदीप महेश्वरी से पता नहीं क्यों agree करता हूँ इस बात पे, पर Whatever it is, what it is, मेहनत करते रहे भाई, हो जाएगा, पैंट में हार्ट कम डलना शुरू हो जाएगा तेरा, और यू विल एक्चुअली बिकम अ गुड ह्यूमन बींग। एनीवेज दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट। यार मैं ना लाइक वीडियो डेली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, रेगुलरली नहीं कर पा रहा हूँ, चैनल की भी थोड़ी डाउनफॉल चल रही है, बट इट इज वॉट इट इज। रिमेंबर वन थिंग, यू विल नेवर डेविएट फ्रॉम योर गोल, यू विल नेवर गिव अप, क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। अगर तुमने OMR में 4 ऑप्शन में से 5वां ऑप्शन क्विटिंग बना दिया, तो तुम्हें कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाले, याद रखना, दैट इज नॉट एन ऑप्शन। यू हैव ओनली ऑप्शन इन योर OMR, दैट इज वर्किंग हार्ड, ठीक है, नॉट गिविंग अप, ठीक है। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूँ मेरी जान।